वेलकम बैक। इस क्वेश्चन ने बोला है हाइड्रोजन गैस का निकल सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन हुआ है, मतलब ये अपना निकल सरफेस है, दिस इज माय निकल सरफेस, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस यहां पर ऊपर था पहले, धीरे धीरे इस सरफेस के ऊपर चला आया, धीरे धीरे यहां आ गया। सो नाउ दिस एडजॉर्प्शन के समय डेल्टा एच का साइन क्या होगा, एंट्रोपी चेंज का साइन क्या होगा, डेल्टा जी का साइन क्या होगा। सो देखो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। अब कैसे मालूम नेगेटिव, देखो ये एडजॉर्प्शन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑल एडजॉर्प्शन आर एक्सोथर्मिक, ऑल एडजॉर्प्शन आर एक्सोथर्मिक, क्लियर है, ठीक है, इसीलिए डेल्टा एच नेगेटिव, एंट्रोपी चेंज। सो देखो पहले ये गैस हाइड्रोजन गैस फ्री था, मूव कर पा रहा था, नाउ आफ्टर एडजॉर्प्शन ये जो हाइड्रोजन गैस यहां पर चला आया ये क्या हो गया है, ये लॉक हो गया है, अब ये उतना इजीली मूव नहीं कर सकता। सो फ्रीडम ऑफ मोशन ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस अपॉन एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस, सो एंट्रोपी डिक्रीज करेगा तो एंट्रोपी भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा, क्यों, गैस गेट्स अटैच्ड टू सॉलिड इस कारण से, क्लियर है। नेक्स्ट डेल्टा जी, देखो ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये फिजिबल या नॉन फिजिबल, दिस इज फिजिबल, तो इम्प्लाइज दैट डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये तो हम लोग पता ही कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि फिजिबल है, ये हम लोग को इंफॉर्मेशन है, तो डेल्टा जी को क्या होना होगा, नेगेटिव होना होगा। तो सो एडजॉर्प्शन ऑफ एच टू के समय ऑल थ्री आर नेगेटिव, ठीक है, थैंक यू।